हाई स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज मैं बात करने वाला हूँ JAIIB एग्ज़ाम के बारे में, इसके एग्ज़ाम डेट, पैटर्न और सिलेबस। इफ़ एनीबडी इज़ वर्किंग इन अ बैंक, कोई बैंक में काम करता है, देन फॉर द प्रमोशन एंड यू नो अप्लाइंग फॉर द नेक्स्ट लेवल जाइब एग्ज़ाम इज़ कंपल्सरी और वेरी इंपॉर्टेंट। सो टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्ज़ाम डेट, पैटर्न एंड सिलेबस। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, पहले बात करते हैं वट इज़ द एलिजिबिलिटी। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मेट्रिकुलेशन एग्जाम, 10th कर रखा हो, 10th। द इंस्टीट्यूट द IIBF, द इंस्टीट्यूट मे अलाउ एनी कैंडिडेट फ्रॉम क्लरिकल और सुपरवाइजरी स्टाफ टू अपेयर एट द एग्जाम, इवन इफ ही और शी इज नॉट मैट्रिक, हैव नॉट पास द मेट्रिकुलेट एग्जामिनेशन। अगर कोई बैंक ऑफिशियल, उसका जो सीनियर है, ब्रांच मैनेजर रिकमेंड करता है, देन 10th भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉन मेंबर जो है, इफ दे हैव डन 12th, देन वो डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस को बोलते हैं, वो उसमें जो है इसका एग्जाम जाइब का दे सकते हैं। तो पास करने के लिए यू नीड टू हैव गेट 50 marks out of 100, राइट। अगर आपके तीन पेपर होते हैं, अभी मैं बताऊंगा, तीन पेपर होते हैं, अगर तीनों में इन ऑल थ्री एग्जाम इफ यू स्कोर 45 एंड एग्रीगेट इज 50, देन यू विल बी डिक्लेयर्ड पास्ट, राइट, यू हैव पास द एग्जाम। एंड अगर 60% मार्क्स अगर आपके आते हैं एग्रीगेट, राइट, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आते हैं फर्स्ट क्लास, तो इसको फर्स्ट क्लास बोलते हैं, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। 70% अगर आपके मार्क आते हैं एग्रीगेट में और 60% हर एक सब्जेक्ट में पहली अटेम्प्ट में, तो ये फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन माना जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट्स, ये तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट क्लास और ये वो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज 50% जो है वो पासिंग है। तीन पेपर होते हैं, इस बार जो पेपर है वो, जो एप्लीकेशन का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अप्लाई करने का। तीन पेपर हैं, एक 12 तारीख को होना है, 12 नवंबर को, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, दूसरा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, तीसरा लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, राइट। 12, 19, 26 और संडे को वैसे पेपर होता है ये। तो चलिए एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तीन पेपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, दूसरा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स एंड तीसरा लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी एक्ट्स हैं। अभी मैं आपको पूरा सिलेबस वैसे डिटेल में बताता हूँ। मार्किंग देख लीजिए, नो नेगेटिव मार्किंग, 120 क्वेश्चन होते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। साल में दो बार पेपर होता है, मई जून में होता है और नवंबर दिसंबर में होता है। तो नोट्स जो है, हम नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं learn.bankexamstudy.com पे, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो हमारे नोट्स हैं, जैसे कि आपको पता होगा, if you stay updated on bankexamstudy.com, आपको पता होगा कि दैट वी मेक हाई क्वालिटी नोट्स और आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो रेगुलर बेस पे हम अपडेट करते हैं। नोट्स भी हम रेगुलरली अपडेट करते हैं और उसके जो अपडेट्स हैं आपको अपनी मेल पे मिल जाया करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं सिलेबस की तरफ। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इस पे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि वी आर यू नो वर्किंग ऑन bankexamstudy.com फ्रॉम लास्ट 3 years। पिछले 3 सालों से लगातार रोज़ाना हम बैंकिंग पे काम कर रहे हैं, तो इसके नोट्स ऑब्वियसली हमारे सबसे अच्छे, हमारे यही नोट्स होंगे। इसमें बहुत बेसिक सा सिलेबस है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमारी मंथली बैंकिंग की एक हम गाइड बनाते हैं, मंथली एक कैप्सूल बनाते हैं, अगर आप वो भी पढ़ लेंगे तो भी ये आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट ये टॉपिक हम रेगुलरली कवर करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, थोड़ा सा हिस्ट्री में आ जाइए, नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक्स का, सबसे पहले बैंक कौन से हुआ करते थे, थोड़ा सा इसके बारे में, फिर बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है, RBI करता है, SEBI की क्या पावर्स हैं, IRDA की क्या पावर्स हैं, RBI की जो ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं, RBI कौन कौन से काम करता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो ये बेसिक सा एक ये टॉपिक है। इसके रिलेटेड भी आपको 2-4 टॉपिक आगे भी मिलेंगे। तो रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग, बैंकिंग की क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से बैंक्स के फंक्शंस क्या हैं, बैंक्स कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बैंक्स में आप कैसे पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं, मतलब कैसी अलग अलग सर्विसेज हैं, लॉकर फैसिलिटी, ये वो, ये सारा इसमें आ जाता है, राइट।
और ये टाइप्स ऑफ बैंकिंग्स भी है इसमें, ADR, GDR, ये मनी मार्केट के जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल पेपर्स वगैरह इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, नोट्स में अवेलेबल है। फिक्स्ड इनकम ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ही है, इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ये सभी इसी में है। और रोल ऑफ कैपिटल मार्केट और सेबी, ये मैं ऑलरेडी पहले पॉइंट में आपको बता चुका हूँ, सेबी का क्या रोल है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या है इसका, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, कौन कौन जो है म्यूचुअल फंड बेच सकता है, उसका भी एक एग्जाम होता है एमफी का, तो इस इन सब के बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ना जरूर, डिटेल में नहीं नोट्स में जो दिया है वो पढ़ लें, काफ़ी है, फैक्टरिंग, फोरफिटिंग, ऑफ शीट बैलेंस शीट आइटम्स, रिस्क मैनेजमेंट और बेसल टू के बेसिक्स। पहले तो सर्वेसी एक्ट होता था लेकिन अभी रिसेंटली वो एक्ट चेंज हो चुका है, अभी फ्रेम आउट हुआ है अभी लास्ट मंथ में, बैंकरप्सी कोड जो आया है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो हम ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं, अब हमारे जो लेटेस्ट हमने कैप्सूल निकाला है उसमें हम अपडेट कर चुके हैं, अलायंसेस, मर्जर, कंसोलिडेशंस, फेयर प्रैक्टिसेस कोड्स, ये सब हमने नोट्स में ऐड अप कर दिया हुआ है, राइट। रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल सिस्टम, ये पहले चैप्टर का ही एक पार्ट है, जो हम करंट अफेयर्स रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री कह सकते हैं आप इसे, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप या बैंकर कस्टमर स्पेशल रिलेशनशिप, बैंकिंग ऑम्बड्समैन एंड कंज्यूमर, इसके बारे में भी नोट्स हमने बनाए हुए हैं, प्रोटेक्शन एक्ट, एक तो प्रोटेक्शन एक्ट अलग चैप्टर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा इन डेप्थ मत जाइए, थोड़ा सा पढ़ लें, पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक्स, टाइप्स ऑफ चेक कौन कौन से टाइप, चेक्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, ये सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे, राइट। वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, एंसिलरी सर्विसेज, तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपको पिछले साल के पेपर चाहिए जाइब के, वो ट्रॉटल, ये trottle.com पे जाइए आप, इस पे मैंने ये trottle.com, www.trottle.com, अगर आपको पिछले साल के पेपर चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड कर लें, आपको एक एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि पेपर किस तरह का आता है, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना चाहिए इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता चले क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये trottle.com पे जाके पिछले साल के आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। देन कैश मैनेजमेंट सर्विसेज आ सकती हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट एंड क्रेडिट मॉनिटरिंग, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेज, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, राइट। उसके बाद जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे अभी मुद्रा स्कीम चल रही है, इस सब के बारे में जानना भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है, इन डेप्थ ना जाए लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो कि मुद्रा स्कीम आखिरकार है क्या, क्रेडिट सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रेडिट कार्ड के बारे में बेसिक बेसिक जानकारी होना, सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, सिक्योरिटीज चार्जेस इन सब में डिफरेंस क्या है, तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको बतानी चाहिए, तो ये वही वही आ गया, कोलेटरल क्या होता है, सिक्योरिटी और कोलेटरल में क्या डिफरेंस है, मॉर्टगेज कोलेटरल में क्या डिफरेंस है, प्लेज क्या होता है, ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, पीसीए क्या होता है, कौन कौन से बैंक पे लगा हुआ है, इसके स्टेजेस होते हैं, वो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, बैंक्स में किस तरह की टेक्नोलॉजी कर यूज़ करी जाती है, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, MIS, तो इन सब के नोट्स हमने बना के रखे हुए हैं, बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स बहुत ही आसान है, अगर आपने BCom करी है या आपने इवन +2 कॉमर्स में करी है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत आसान है, +1 में ही आ जाता है, आप कह लीजिए +1 की जो बुक अगर आप पढ़ लेंगे और बीच में ये थोड़ा सा कैपिटल बजटिंग, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थोड़े से टॉपिक्स डाल दिए हैं, बाकी ये बहुत आसान है, अगर मैं ध्यान से इसको देखूं, यहाँ से शुरू करें, ये +1 की बुक चल रही है, अगर आपके पास +1 की बुक है वो भी आप पढ़ लेंगे तो उसमें से ही आपका सारा हो जाएगा, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, कैश बुक, BRS, बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारा +1 का 11th का टेक्स्ट बुक है, 11th टेक्स्ट, 11th की अगर आपके पास CBSE की बुक पड़ी है वो भी पढ़ सकते हैं, वैसे हमारे नोट्स तो है ही हैं, या पढ़ सकते हैं, ये सिर्फ 11th का है, ये भी 11th 12th में ही आता है, आप कह लीजिए ये कैपिटल बजटिंग और ये YTM, ये टॉपिक्स थोड़े से आप कह लीजिए ये ग्रेजुएशन लेवल के हैं,
बाकी ये सब जो है अकाउंटिंग एएसबी, ये भी 12th में ही आ जाता है, कोई इतना वो नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, अप टू 12th लेवल का पूरा अकाउंट्स है। अगर किसी ने कॉमर्स में करी है प्लस टू तो उसके लिए आसान है। कैपिटल बजटिंग हो सकता है आपने ना पढ़ी हो, YTM ना पढ़ा हो आपने, और जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एनुटीज ये ना पढ़ा हो आपने, राइट। तो ये थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स हैं। बैलेंस शीट इक्वेशंस ये सभी आपका वही है, यहाँ तक आपका जो है प्लस वन लेवल का है, 11th, ये 11th का अकाउंट है। यहाँ पे बात करें रेशियो एनालिसिस की, बहुत आसान है टॉपिक्स ये, फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, कंपनी अकाउंट्स, ज़्यादा इनडेप्थ नहीं जाना है, बिल्कुल भी इनडेप्थ नहीं जाना है, बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व ना करें, पिछले साल का पेपर देख ले, बहुत आसान होता है। बैंकिंग ऑपरेशन ये वैसे ज़्यादा आते नहीं है बैंकिंग ऑपरेशन, तो यहाँ तक आप कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लीगल पे चलते हैं, लीगल का सिलेबस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लीगल फ्रेमवर्क फॉर बैंकिंग रेगुलेशन ऑफ बैंक्स, तो बेसिकली आपको बता देता हूँ इसमें लीगल में पढ़ने लायक चीज़ें क्या हैं। बैंकिंग बैंक से रिलेटेड जो भी आपके एक्ट्स हैं, पांच छह जो एक्ट्स हैं मेन, वो आपको पढ़ने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, और यहाँ पे थोड़े से मैंने टॉपिक बताए हुए हैं, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस रिटर्न्स एंड इंस्पेक्शन एंड वाइंडिंग अप एलसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर में दो तीन क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, एलसी में से आ जाते हैं। डेफर्ड पेमेंट गारंटी, इंडेमनिटी गारंटी एंड लॉ ऑफ एजेंसी, कंपनीज लॉ है, कंपनी का जो कंपनी लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये तीन एक्ट्स ऐसे हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कंपनी लॉ, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तीनों में से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। आगे अगर मैं बात करूं वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, ये तो वही सिंपल से चलने लगे हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, ये आपने बैंक एग्जाम्स फिटे को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं, इवन आप ट्रॉटल पे जाएं तो आपको ये जो है इन सब पे नोट्स जरूर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, प्लेज, बेलमेंट, हाइपोथिकेशन, मॉर्टगेज, असाइनमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉरोअर्स, ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। LLP, एस्क्रोड, सरफेसी एक्ट, अम्बुड्समैन, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये बहुत ही सिंपल है। इसके जो आप सीधा ऐसे काम कीजिए, trottle.com पे जाइए, मैंने एक एक पे हमने हमने मैंने और मेरे जो साथी ये मेरे राइटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, हम सब ने मिल के इस पे आर्टिकल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, trottle.com पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगर आपको नोट्स चाहिए जाइब के, या आप टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट देना चाहते हैं, एक ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, पीडीएफ में आपको नोट्स चाहिए, तो दिस इज द लिंक, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड रजिस्टर कर सकते हैं। दिस इज द लिंक, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और trottle.com पे अपडेटेड रहिए, ये हमारा डेडिकेटेड पेज है जिस पे हम जाइप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, चाहे आप कहें कि रेगुलर आर्टिकल्स हों, प्रीवियस पेपर्स अगर आपको चाहिए, तो ये सब जो हमारे मॉडल पेपर्स हैं, प्रैक्टिस पेपर्स हैं, जो हम डे टू डे बेसिस पे जो हम नोट्स लिखते हैं, ये सब हम trottle.com पे अपलोड करते हैं जाइब से रिलेटेड। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर आप कुछ जानकारी चाहिए जाइब से रिलेटेड, 9914968671 ये मेरा नंबर है। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।